सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बी एस ई बी तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ यूनिट है क्या चीज़ बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का यूनिट है इकोलॉजी इकोलॉजी क्या होता है इकोलॉजी होता है इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट स्टडीज डेट द इंट्रैक्शन एमोंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्या चीज बायोफिजिकल इन्वायरमेंट वीच इंक्लूडेड बोथ बायोटिक और ए बायोटिक ठीक तो आज हम लोग क्या देखेंगे जो बाय इकोलॉजी जो यूनिट है बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर है आपका तेरह इसका क्या चीज़ यूनिट का आपका चैप्टर नंबर है इस यूनिट में फर्स्ट क्या चीज़ चैप्टर नंबर तेरह में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या है हम लोग तो क्या आज देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर क्या है तेरह ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो यूनिट है इकोलॉजी का ठीक तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और बेहतर से बेहतर करने का प्रदर्शन करें बेहतर से बेहतर करने का मतलब जो प्रदर्शन करने के लिए अच्छा से प्रयास करें और अच्छी से तैयारी करें एग्ज़ाम का ठीक है तो हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर करें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें तो इसके लिए आप लोग है जो मन लगा करके पढ़ाई करिए कि नाइन्टी प्लस है जो नंबर आवे तो ठीक है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बेलाइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ठीक है तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या चीज़ देखिए क्या चीज़ है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर क्या है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़ आज क्वेश्चन है जो क्या चीज़ है क्वेश्चन फर्स्ट है द टर्म इकोलॉजी इकोलॉजी है जो टर्म है जो पास किन किसने दिया था वाज क्वाइंड वाइक द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड किन किसने दिया था ए में दिया क्या हार्बे बी में दिया ओडम सी में क्या है लीनस और डी में क्या है हैकल्स था किसने दिया था हैकल्स ने दिया था किसने दिया था बच्चा पार्टी हैकल्स के द्वारा है जो दिया गया था इकोलॉजी जो है आपको जो क्या चीज हैकल्स के द्वारा दिया गया था किनके द्वारा है? हैकल्स के द्वारा देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज तो क्या होगा इकोसिस्टम होगा या इकोलॉजी होगा या इथोलॉजी या पैथोग्राफी तो मैंने अभी क्या बताया कि किस यूनिट से है तो इकोलॉजी यूनिट से है तो क्या इसका होगा द स्टडी ऑफ इंटर क्या है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज क्या इकोलॉजी क्या होगा बच्चा

और ही ट्राइज टू द अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म क्या इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन आप खोलिएगा बुक तो वहाँ पर लिखा मिलेगा ठीक है चलिए अब इसका सही आंसर क्या देखे बी नंबर टू का देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन में पूछा कि सम टोटल क्या द सम टोटल बोला द सम टोटल ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंट ए में दिया क्या कम्युनिटी बी में स्पेसिस सी में जीनास डी में कॉन्ट इसका सही आंसर क्या है बी नंबर क्या होगा बच्चा पार्टी स्पेसिस है क्या स्पेसिस जो इसका सही आंसर है द सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंट इसका क्या होगा सम समेस मतलब इसका जो सही आंसर क्या होगा स्पेसिस होगा बी नंबर ठीक चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं फोर नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनक्रीज बोल रहा है इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू ये जो आपको क्वेश्चन है बच्चा बाटी आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में क्या चीज 2009 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका आंसर क्या चीज होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया एसिड एंड बी में ओजोन डिप्लेशन सी में सीओ पॉप क्या है पॉल्यूशन और डी में क्या है सी ओ इसका सही आंसर बी नंबर क्या ओजोन डिप्लेशन के द्वारा है जो होता है इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर क्या डिप्लेशन के द्वारा होता है ठीक है बच्चा पार्टी चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर में five में आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन बी थी डेंसिटी क्या, क्या, बी में रिलेटिव डेंसिटी सी में क्या है, तो क्या है नाइन डेंसिटी है डी में रीजनल डेंसिटी तो सही आंसर क्या है सी नंबर क्या है क्या है, है? निश्चित डेंसिटी है जो आपको इसका सही आंसर क्या है निश्चित डेंसिटी है जो आपको इसका सही आंसर है ठीक है देखिए अब सिक्स नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पेसिस इंडिविजुअल एंड इट्स इन्वायरमेंट इन ए फॉरेस्ट ईस्ट ए में दिया क्या इकोलॉजी बी में दिया क्या फॉरेस्ट इकोलॉजी सी में दिया हुआ और क्या ऑटो ऑटो इकोलॉजी या डी में क्या है इकोलॉजी तो इसका सही आंसर क्या है सी नंबर ऑटो इकोलॉजी है जो आपको इसका क्या आंसर होगा ऑटो इकोलॉजी है सी नंबर जो आपको इसका सही आंसर ठीक है ये जो लगभग क्वेश्चन जो आपको बतलाया जा रहा है बच्चा पार्टी जो बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए अच्छा से अच्छा नंबर है जो आपको आएगा उम्मीद नहीं छोड़ना अब समय नज़दीक आ गया ऐसा ना सोचें कि हम बहुत पढ़ लिए हैं जो अब है जो अब दस दिन रेस्ट करते हैं नहीं थोड़ा देर ही पढ़े लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिएगा तो अच्छा रिवीजन करते रहिए जो पढ़े हैं आप साल भर उसको है जो रिवीजन करते रहें और जो क्वेश्चन यहाँ पर बतलाया जा रहा है उसको देखते रहें रेगुलर जो भी बतलाया गया देखते रहिएगा तब तो अच्छा पार्टी आपको है जो अगर माइंड में सेट रहेगा हमेशा रिवाइज होते रहेगा माइंड में सेट रहेगा तो आपको है जो एग्ज़ाम में जाएगा तो बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ और आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका देखे सिक्स का सेवन नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेवन नंबर क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ क्या बोल रहा है कि नीमैटो फोर्स आर कॉमनली तो कहाँ पाया, पाया जाता है नीमैटो फोर्स आर कॉमनली फाउंडिंग कहाँ पाया जाता है ए में दिया क्या जीरो फाइट्स बी में दिया क्या हाइड्रोफाइट्स सी में दिया है डी में दिया हेलोफाइट्स तो कहाँ पाया जाता है हैलोफाइट्स में फाउंड इन कहाँ हैलोफाइट चलिए एट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वेन पॉपुलेशन क्या बोल है वेन पॉपुलेशन रीच कैरिंग के, कैपेसिटी तो इसमें ए में इसमें आप है जो एन सी आर टी पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको ढंग से ये जो है आपको समझाया गया है ठीक चलिए तो इसका पहले ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ मोर्टलिटी रेट्स क्या है और क्या चीज दिया हुआ बर्थ रेट इसमें है जो मतलब मोर्टलिटी रेट है जो क्या चीज डिक्रीजिंग क्या चीज बर्थ रेट और क्या चीज दिया गया है इसमें दिया गया है बी में दिया गया है रेट और क्या चीज़ दिया है बर्थ रेट और सी में दिया मोटेलिटी रेट इजकअल टू बर्थ रेट और डी में नॉन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी मोर्टालिटी रेट इजकअल टू क्या होता है बर्थ रेट ई न कि इसमें जो है आपको क्या चीज मोटालिटी रेट क्या है डिटीजिंग बर्थ रेट नहीं मोटा मोटालिटी रेट जिंग इनक्रीजिंग बर्थ रेट नहीं थे। इसमें rate, एट, तो इसमें है जो आपको सही आंसर क्या है मोटलिटी रेट क्या है जो आपको इज्वल टू क्या है बर्थ रेट तो इसमें है जो आपको मोटलिटी है जो आप पढ़े होंगे बुक में तो आपको बेहतर ढंग से समझाया गया होगा कि मोटलिटी और बर्थ रेट के बारे में जो क्या क्या होता है जो अच्छे से एक्सप्ल किया गया होगा इसमें एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ जिसको कहते हैं एक होता है नेटलिटी मोटलिटी इम क्या एक होता है इम, 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 और इमिग्रेशन तो इसमें आपको बतलाया गया होगा कि क्या होगा एक होता है जैसे नेटलिटी और उसमें होता है पॉपुलेशन डेंसिटी और इसमें आपको जो एक फार्मूला होता है कि एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम देन द डेंसिटी एट द टाइम टी प्लस वन इज क्या होता है एन एन क्या है एन टी प्लस वन इज कल टू क्या है एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस क्या डी प्लस ई होता है एक फार्मूला इसमें तो आप है जो पढ़े होंगे तो बेहतर ढंग से समझे होंगे इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इंक्रीजिंग में तो इसमें क्या होता है जो आप बेहतर ढंग से समझे होंगे ठीक है बर्थ रेट और क्या चीज़ मोटलिटी रेट के बारे में चलिए तो इसका सही आंसर क्या देखिए सी नंबर देखिये नाइन नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया नाइन नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वीच वन हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेन क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कम क्या ऑर्गेनिशनल कम्पलेसिटी इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए में पहले देखिए लिखा हुआ स्पेसिस वेरायटी इको सिस्टम एंड पॉपुलेशन बी में दिया पॉपुलेशन स्पेसिस कम्युनिटी एंड इको सिस्टम सी में दिया पॉपुलेशन वेरायटी कम्युनिटी एंड इको सिस्टम डी में पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड तो कौन सा सही आंसर होगा पॉपुलेशन होता है फिर स्पेसिस और कम्युनिटी

पारासीटिमिज्म बी में दिया का पेरीडेशन सी में दिया डी जी डी में ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर क्या है डी में क्या दिया ऑल ऑफ दीज तक इसका सही आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज होगा आपको सही आंसर है ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एरिया कवर्ड बाई मेंबर्स क्या है द एरिया कवर्ड बाई मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिस इन सर्च ऑफ फूड एंड मेड्स इज कल्थ एम दिया क्या होम रेंज बी में रेंज सी में जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डी में क्या है टेरिटरी तो इसका सही आंसर क्या होगा टेरिटरी है जो इसका क्या चीज़ आंसर होगा द एरिया कवर्ड बाय द मेम क्या है मेम्बर्स ऑफ स्पेसी इन सर्च ऑफ फूड डेट मेड इज कॉल क्या है टेरिटरी क्या होगा टेरिटरी होगा इसका सही आंसर ठीक है बारह नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए क्या लिखा गया बारह नंबर क्वेश्चन में आपसे लिखा आपको पूछा गया है एक्सपोनशियल ग्रोथ आकर्ष वेन क्या बोल रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आकर्ष वेन देयर इज द ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या ए ग्रेट इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस बी में दिया नॉन इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस डी में सी में दिया का ए फिक्स्ड कैरी कैपेसिटी डी में नो बायोटिक पोटेंशियल था सही आंसर क्या है नो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है जो आपको सही आंसर है चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया तेरह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीन क्या सॉरी नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये 2010 में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया एनोल एग्जाम में इसमें बोल रहा है कि कौन है जो इसमें विच नॉट क्या बोला ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है ग्रीन हाउस मतलब जो ग्रीन हाउस हो, हाउस गैस में जो होता है इसमें कौन है जो नहीं होता है ए में दिया क्या आ इसमें दिया है मिथेन क्लोरो क्या क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी में दिया हुआ क्या सीओ टू और नाइट्रोजन तो कौन होता है नाइट्रोजन है जो इसमें नहीं होता है मिथेन क्लोरो फ्लोरोबन और सी ओ टू होता है ठीक है अब देखिए चौदह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पॉपुलेशन वही क्या बोल रहे हैं पॉपुलेशन वी आर क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड सैम्पेटिक बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और क्या है डिसजेनेटेड एज द ए में दिया क्या असेंबलिंग स्पेसिस बी में डेम डेम्स दिया होगा सी में क्लाइंस और डी में दिया होगा क्लोन्स तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही होगा क्या चीज़ असेंबलिंग स्पेसिस है जो आपको सही आंसर है ठीक है अब जो इसमें जो अब देखिए बच्चा बढ़िया समय बहुत नज़दीक है हम है जो तुरंत है जो आपको लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है जितना जल्दी ये हम खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव उतना जल्दी हम लेकर के आएंगे उसमें देखिए चार दिन में आपको है जो चार से पाँच दिन एकदम बतलाया जाएगा सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बेहतर जो पूरा निचोड़ रहेगा जो आपको लगभग क्वेश्चन है जो हु हु वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैच कर जाएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाया जा रहा है अब को है जो वो भी है जो समझाया जाएगा ठीक है पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लेते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्टिव और लगभग दो तीन चैप्टर और है बचा हुआ जो दो दिन तीन दिन में खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पेसिस डाटे को पाई ए हैबिटेड कॉन्स्टेंट ए में दिया क्या कम्युनिटी बी में पॉपुलेशन सी में इकोसिस्टम डी में क्या बायोस्फीयर इसका सही आंसर क्या है ए नंबर कम्युनिटी है जो इसका किसका सही कम्युनिटी है जो इसका सही आंसर है ठीक है सोलह नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि द जोग्राफिकली लिमिट क्या बोला द जोग्राफल क्या लिमिट्स विथ विच पॉपुलेशन एग्जिस्ट इस ए में दिया का, ter terry, में, में range, में habitat, क्या टेरिटरी बी में सी में रेंज है डी में है इसका सही आंसर क्या रेंज होगा जो क्या चीज इसका जोग्राफली लिमिट्स विच द पॉपुलेशन एग्जिस्ट इसका

आपको है जो दो सौ तीस नंबर पेज खोलिएगा ना जी उसमें कैमे अथी एन सी आर टी में तो उसमें आपको बेहतर ढंग से समझाया गया इसको बतलाया गया ठीक है तो आप लोग है जो अगर देखना रहेगा तो वहाँ पर देखिएगा बाकी अगर रहेगा एक्सप्लेनेशन करने सब्जेक्टिव में तो हम बेहतर ढंग से आपको जरूर समझाएँगे इस चीज़ के बारे में ठीक है कैसे क्या होता है चलिए तब आगे बढ़ते हैं अठारह नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या अठारह नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ट्रेस्ट्रियल क्या ऑर्गेनिज्म मेजरड बाय तक क्या चीज होता है ए में दिया ऑर्गेनिज्म बाय एम क्यू अब बी में दिया क्या ऑर्गेनिज्म एम फोर और क्या चीज दिया बाय अब सी में दिया क्या ऑर्गेनिजम्स बाय एम और क्या दिया डी में ऑर्गेनिजम्स एम स्क्वायर तो क्या होगा तो एम स्क्वायर ये होगा ऑर्गेनिजम आई एम स्क्वायर है जो आपको सही आंसर है पर एम स्क्वायर क्या चीज चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वीज इन द फॉलोइंग इज द क्या है इंसेक्टिवरस प्लांट इसमें से कौन है जो आपको इंसेक्टिवरस प्लांट है क्या है डोरसेरा या नेफेंथेस और डी में सी में दिया गया बोथ ए एंड बी या हाइड्रेला था क्या होगा इसमें से आपको ए एंड बी है दोनों है जो क्या चीज़ है? है? है, है? है क्या है इंसेक्टिवरस प्लांट्स है ठीक है चलिए बीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या पॉपुलेशन ऑफ क्या बोला पॉपुलेशन अन ऑफ एन एरिया ट्रेंड्स टू इंक्रीज व्हेन द इमिडिएशन इनक्रीजेस बीम दिया का इमिडिएशन आकार सी सीमित का रिप्रोडक्ट स्कैट डक्टिविटी ही डिक्रीज डी दिया का इमिडिएशन इंक्रीज तो इसका सही आंसर क्या है डी नंबर है जो आपको सही आंसर है ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द फोर्स ऑपरेटिंग इन एंड इको सिस्टम अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ए में दिया क्या बायोटिक कंट्रोल बी में देखा इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस सी में देखा मोर्टलिटी डी में क्या है फेक्यूडिटी इसका सही आंसर क्या है जो देखिये इसका सही आंसर है आपको क्या चाहिए बी एन्वामेंटल रेसिस्टेंस है जो आपको इसका सही आंसर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं बाईस नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बाईस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जीन फ्लो इज ट्रांसफर्ड ऑफ जीन्स थे, ए में दिया क्या फ्रॉम फीमेल्स टू क्या मेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम फ्रॉम बी में देगा फ्रॉम आउटसाइड टू क्रोमोजोम सी में देखा बीटवीन जेनेटिकली डिस्ट्रिक्ट बट द क्या इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन बी में दिया डी में दिया क्या फ्रॉम स्पर्म टू एक फ्रॉम का सही आंसर क्या है सी नंबर है बीटवीन जेनेटिकली डिस्ट्रिक्ट द इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है जो आपको सही आंसर है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं तेस नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या हुआ तेईस क्वेश्चन पूछा गया द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए इंटायर कम्युनिटी एंड इट इन्वायरमेंट इज तो क्या चीज़? क्या है इट ये पहले भी हम लोग ऊपर में लगता है क्वेश्चन देखें इस चीज को तो इसका सही आंसर क्या है सी ने इकोलॉजी है जो आपको क्या चीज साइनोलॉजी है जो इसका सही आंसर है चलिए चौबीस नंबर क्वेश्चन है एरिया इसका सही आंसर है चलिए पच्चीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पच्चीस नंबर क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कल्ड क्या ए में दिया कैरिंग कैपेसिटी बी में दिया कै क्या है ए बायोटी पॉपुलेशन कंट्रोल सी में बायोटिक पोटेंशियल डी में क्या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसका सही आंसर क्या by, है सी नंबर बाय बायोटिक पोटेंशियल है जो आपको इसका सही आंसर है छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द इन एबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टू सक्सेसफुली इंटरब्रीड्स विथ दिया क्या क्या है, क्या है, है सी में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आपको समझाया गया क्या जो ऑप्शन है क्या चीज सही है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, है जो इसका सही आंसर है सताइस नंबर क्वेश्चन देखिए सताइस नंबर क्वेश्चन पूछा पूछेगा कि इंडेमिक प्लांट्स आर दो प्लांट्स बीच ग्रो इन में दिया क्या साइडी Area, में दिया, प्रेस, में दिया कर, एरिया बीमे फ्रेश वाटर लेक्स और सीमेका जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया डी मद टिश्यूज ऑफ द अदर प्लांट का सही आंसर क्या है सी नंबर जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया अट्ठाईस नंबर देखिए क्वेश्चन अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑर्गेनिज्म बीच आर इंटरब्रीड्स विथ ईच अदर कम्स अंडर द सेम ए में देख क्या जिन जीनस बी में फैमिली सी में स्पेसिस डी में किंगडम तो सही आंसर क्या है स्पेसिस है जो इसका सही आंसर है चलिए उनतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं उनतीस नंबर क्वेश्चन में बोला कि सोइल ट्रांसफर्ड वाई एरिया ए में दिया क्या एलुवी क्या है एल्यू वायल अ बी में दिया का गैले और में दिया कोल्यूवाइल और में आयोलिन इसका सही आंसर क्या है सी योलिन है जो लाइन जो आपको सही आंसर है चलिए तीस नंबर क्वेश्चन में पूछा द फॉलोइंग इज क्या है फैटिक इसका सही आंसर क्या है ए नंबर कार्पीसिस बी में दिया लोटस सी में चाइना और डी में पोटैटो तो सही आंसर क्या है कार्पिस है जिसका सही आंसर है कार्पिस चलिएस नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या नंबर पूछा प्लांट ग्रोइंग

मेंटल डे है जो कब है जो मनाया जाता है तो आपको मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है कब 5 जून को मनाया जाता है ठीक चलिए तैतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं तैतीस नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया तैतीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इज द प्लांट ग्रोइंग इन डिजार्ट कौन सा तो ये है जो आपको जीरो कहाँ डिजर्ट में होता है कौन सा प्लांट जीरो फाइट चलिए चौंतीस नंबर क्वेश्चन में देखते हैं चौंतीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द रीजन ऑफ एटमोस्फेयर नियर द अर्थ इज कॉल्ड ए में दिया अस्टार्टोस्फेयर बी में मेरोस्फेयर्सोस्फेयर्स और थर्मो स्फीयर द तो कौन सा ट्रोपोस्फियर है जो आपको सही आंसर क्या है सी नंबर चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द टर्म इकोसिस्टम आज गिवन बाय द टर्म इकोसिस्टम जो टर्म है इकोसिस्टम वो किसने दिया था तो आपको किसने दिया था तो आपको टेंसले ने दिया था क्या टेंसले ने दिया था ठीक है चलिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या वीच प्लांट इन द फॉलोइंग इज फाउंड इन माइक्रोव रीजन तो कौन सा पाया जाता है तो क्या राइजोफोरा एक पाइनस और टेक्टोना इसका सही क्या है राइजोफोरा जो आपको सही आंसर है चलिए सैतीस नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है द प्लांट ग्रोइंग इन द हाईली दाइली सैनलिटी सोइल तो क्या है जीरोस और हेलोफाइट्स एलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स तो सही आंसर क्या है बी नंबर हेलोफाइट है, है जो इसका सही

सॉरी क्या बोला लाइकन इज इंडिकेटर ऑफ तक क्या चीज़ लाइकन किसके इंडिकेटर है तो एस ओ टू का एस पौपले, ओ टू पॉपुलेशन का आपको ये भी डायरेक्ट मिल जाएगा एन सी आर टी में एकदम सही अच्छे ढंग से लिखा हुआ ठीक है ये सब है बहुत ईजी क्वेश्चन है जी जो आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा ना तो बहुत से बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा अच्छा एग्जाम जाएगा ये सब है जो लाइकेंस ये भी है जो आपको बहुत देखिए सोलह में पूछा गया है ये क्वेश्चन लाइकेंस इज इंडिकेटर ऑफ द क्या चीज एसो टू पॉपुलेशन आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं ठीक है अब चलिए देखिए फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया फोर्टी वन नंबर पूछा गया है ये फ्रॉग ईटिंग हारबी बोर्स इंसेक्ट इज कार तो क्या चीज प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर या टू कार्वर्स क्या चीज सही आंसर है सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूमर क्या चीज़ है सेकेंडरी कंज्यूमर देखिए बयालीस नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया वी चौहान इज डी कम्पोजर थी इसमें से कौन इस है डी है ए में दिया एनमेलिया मोन एंड मोनेरा पोटिस्टा एंड क्या है एनिमिलिया और क्या चीज़ डी सी में दिया फंगी एंड प्लांट्स डी में दिया क्या बैक्टीरिया एंड फंगी तो सही आंसर क्या है बैक्टीरिया एंड फांगी है जो आपको इसका क्या है सही आंसर है तो हमने कुल कितना लगभग देखे बयालीस क्वेश्चन के आसपास क्या चीज़ बयालीस फोर्टी टू क्वेश्चन देखे जी ठीक है बच्चा पार्टी तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर ढंग से समझे होंगे तो आज है जो हमने क्या ख़त्म कर दिया आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसमें है जो आपको बेहतर से बेहतर ढंग से है जो समझाने की कोशिश किया आप लोग अ जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाएँ लिखें अगर बेहतर और बोले कि सर इसमें है जो थोड़ा और है जो बेहतर ढंग से समझाते तो उस वो भी है जो किया जाएगा हमारे द्वारा और है जो इसमें जो को जो बोले कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को जल्द आएगा और उसमें है जो आपको बतलाएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको समझाएंगे ठीक है अब इसमें अगला जो है इको है जो चैप्टर चौदह नंबर जो हम कल समझेंगे तो ठीक है बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और अच्छे लेक्चर के साथ कल ठीक है बाय सी सुन